हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 10 का, और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम आपको मालूम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया था वो याद होगा, कंफर्म होगा ना? आपको मैंने बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं प्रोजेनी में, ये याद होगा आप लोगों को। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक बताया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि जीन जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रीवियस वीडियो का टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है और आपके बहुत सारे लाइक भी मुझे मिले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी टॉपिक बताने के बाद आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करने के साथ आप शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, और हम लोग का टॉपिक जो है हाउ डज जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कैसे, हाउ डज जीन्स कंट्रोल, कैसे जीन कंट्रोल करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं, इनको जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, वो बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक चलिए मैं लिख दे रहा हूं, टॉपिक है हम लोग का हाउ डज जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक है वो है आपका हाउ डज जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। तो सबसे पहले जीन के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया गया है, मैंने भी बताया है जीन क्या होता है। तो जीन जो होता है इट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है, तो डीएनए जीन इज the small segment of DNA and DNA found in chromosome, और DNA कहाँ पर found होते हैं, chromosome में found होते हैं या chromosome को form करते हैं, ये बातें आपको मालूम है। कन्फर्म हो रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूं? तो मेरा कहना है सबसे पहले जीन, तो जीन क्या होता है तो आप बता सकते हो, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है बेटा, तो जीन आपके डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है, जस्ट लाइक यू सी दिस फिगर एंड दिस फिगर इज डीएनए, और यह फिगर किसका है, डीएनए का है। तो दिस डीएनए हैव सेगमेंट, दिस डीएनए हैव सेगमेंट, दिस डीएनए हैव सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट इज जीन, और ये सेगमेंट क्या होते हैं, जीन होते हैं। कंफर्म रहेगा बेटा, और दिस डीएनए फॉर्म, यू नो दिस डीएनए फॉर्म क्रोमोसोम, और ये डीएनए किसका फॉर्मेशन करते हैं, यू नो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। This is chromosome. और chromosome में क्या प्रेजेंट होते हैं, many genes. बात समझ में आ गई कि ये आपके हो गए जीन और ये हो गया आपका डीएनए। कंफर्म रखना बेटा, ये आपके जीन हो गए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया डीएनए, और इस पूरे स्ट्रक्चर से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का,
जब डीएनए और प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसका नेम होता है याद रखेगा हिस्टोन प्रोटीन, उन दोनों के मिलने से ही क्रोमोसोम बनता है, ये बातें आप ऑलवेज याद रखिएगा। ओके बेटा, तो ये क्रोमोसोम का वर्ड क्या है, तो ये कैरी करते हैं जीन, जीन की किसको कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, या जीन किसको कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक को। कितनी अच्छी बात है, मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया कि व्हाट इज जीन, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज डीएनए एंड दिस इज द स्मॉल सेगमेंट, कंफर्म हो गया। एंड दिस डीएनए फॉर क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम यू नो दिस फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ इच सेल, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन्स एंड दीज जीन्स कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट मीन्स फॉर इच कैरेक्टरिस्टिक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई, जीन क्लियर हो गया, आगे बताओगे जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और जीन जो होता है कंट्रोलिंग करता है, मतलब जीन के द्वारा ही आपके सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्म होते हैं। इट मीन्स प्रोटीन फॉर अकॉर्डिंग टू जीन। तो प्रत्येक प्रोटीन जो होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं, जीन के अकॉर्डिंग। एक तरफ से इसके हैं सिंपल, जैसे आपसे मुझे बात करना है तो आपके या तो मुझे घर जाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसा छोटा सा कुछ मिले जिसे मेरी बात आपके यहां पहुंच जाए, मुझे आपके घर जाना ना पड़े। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या है बेटा, यू ऑल हैव द मोबाइल, आप सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल इच मोबाइल हैव सिम, प्रत्येक मोबाइल के पास सिम है, प्रत्येक मोबाइल में सिम होता है, और सिम हैव नंबर, और सिम के पास क्या होता है, प्रत्येक सिम का एक नंबर होता है, तो नंबर को मान लीजिए कि जीन हो गया, और इसके बाद वो किस में प्रेजेंट है, सिम में प्रेजेंट है। सिम अगर ना हो तो मोबाइल के होने से हम बात तो कर नहीं सकते हैं, तो सिम में जो आपका नेचर है कि वो हमें किसी भी एरिया के पर्सन से बात करा सकता है, और किस फॉर्म में बात करा सकता है, इन फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर के फॉर्म में। अगर हम नंबर, उसका प्रत्येक व्यक्ति के सिम का नंबर, दैट मीन्स मोबाइल नंबर है मेरे पास, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर जीन, प्रत्येक डीएनए के पास जीन है, तो वो जीन क्या करेगा, तो प्रत्येक प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन जो बनते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मोस्टली होती है वो आपके किसके पास होती है, आपके जीन के पास होती है। तो वही मैंने लिखा है कि जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको बनाने में हेल्प जो करता है, या जिसके अकॉर्डिंग बनता है, वो आपका कौन होता है, जीन होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कंफर्म हो रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूं, क्लियर हो रहा है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद प्रोटीन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन से ही आपको मालूम है कि हमारे बॉडी को फॉर्म करने में सबसे अधिक जिसका रोल है वो किसका है, प्रोटीन का है। तो यही बात है, मैंने कहा प्रोटीन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और वो स्ट्रक्चर ही तो हमारा एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है यार। आपका टॉल होना एक स्ट्रक्चर है, टॉल होना, और वो टॉल होना एक आपका क्या है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंफर्म हो रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कंफर्म हो रहा है, प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहां लिख दे बेटा, प्रोटीन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड दिस रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कन्फर्म हो रहा है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने में किसका रोल है, प्रोटीन का रोल है। अगर प्रोटीन है आपके बॉडी में तो प्रोटीन से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये शो किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार रिविजन के तौर पर मैं बता रहा हूं, देखिए हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हाउ डज जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। तो उसके लिए पहले हमारे माइंड में आया कि व्हाट इज जीन, चूंकि मैं बता चुका हूं। तो जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन जो होता है वो स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का। इसके आगे मैंने बताया कि फिगर मैंने बना दिया, और फिगर बनाकर मैंने दिखा दिया कि दिस इज द सेगमेंट एंड दिस इज द जीन, दिस इज द जीन एंड दिस इज जीन, दिस इज जीन एंड दिस डीएनए फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैरी जीन, इस क्रोमोसोम पर मैंने जीन प्रिंट है, और ये जीन को कैरी करके लेकर मतलब आपके पेरेंट्स से आप में ले आना, ये काम किसका है, क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का काम है कि जीन लेकर आते हैं जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जाता है। ये बातें आप बता सकते हो, तो ये बातें लिखी गई है, जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट मींस इफ प्रोटीन फॉर्म अकॉर्डिंग टू जीन। तो प्रत्येक जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं, जीन के अकॉर्डिंग, और जीन्स प्रोटीन से ही हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रक्चर हमारा एक फीचर है, स्ट्रक्चर हमारा जिसे टॉल होना, ड्वार्फ होना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और बॉडी कलर दैट मीन्स और स्किन कलर, अवर हेयर कलर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यू नो योर हेयर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, मालूम है ना। तो इस तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन, टॉलनेस के लिए अगर आप में आप टॉल हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन, और वो ग्रोथ हार्मोन आपको मालूम है, और ग्रोथ हार्मोन जो बनते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और वो प्रोटीन को कौन बनाता है, अभी बता चुका हूं, जीन बनाता है। तो इसका मतलब कि जीन बनाएगा आपके प्रोटीन को, और वो प्रोटीन किस फॉर्म बनाएगा, हार्मोन्स के फॉर्म में, और वो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग आप क्या होंगे, टॉल होंगे अगर वो प्रोटीन बन रहा है तो। अगर वो प्रोटीन की अमाउंट कम है, प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आप क्या हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएंगे। तो दैट मीन्स टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल बाय द हार्मोन, एंड हार्मोन मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन मेड इन कंट्रोल ऑफ जीन, कंफर्म हो गया, जीन फॉर प्रोटीन, प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ हार्मोन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, एक्सिस ग्रोथ टॉलनेस, लेस ग्रोथ ड्वार्फनेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट कंट्रोल बाय जीन।
कंफर्म हो गया बेटा? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही शो किया गया है। अब इसके बाद के रूप में एक एग्जांपल दिया गया है एयर कलर का, देख रहे होंगे ना, और टू कलर को शो कर रहा है, एक ब्लैक कलर एक ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी कलर शो कर रहा है ना, ब्लैक कलर एंड ब्लॉन्डी मतलब पहले एलो कलर, ये हेयर का कलर दिया गया है। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं, क्लियर हो जाए। मैं क्या बताना चाहता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, तो बताया गया है हेयर कलर, हेयर कलर ये एक कैरेक्टर है, हेयर का कलर एक कैरेक्टर है, और इसके आप जानते हैं टू फॉर्म दिए गए हैं, जैसे पहले दिया गया है मदर और एक दिया है आपका फादर। मदर में जो हेयर का कलर दिया गया है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया गया है आपका, ब्लैक, ब्लैक, और फादर जो है उसमें दिया गया है ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी, और ब्लॉन्डी मतलब बताया भी पहले एलो, ये आपका शो किया गया है, ठीक है। तो ब्लैक कलर एंड ब्लॉन्डी कलर आगे बता रहा है, ब्लैक कलर, ब्लैक जो कलर है, ब्लैक कलर ऑफ हेयर, ब्लैक कलर ऑफ हेयर जो है ये आपका हो गया फिनोटाइप, फिनोटाइप, और इसका जीनोटाइप जो होगा वो होगा उसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल एच से, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करें, कैपिटल एच से, ठीक ना, मदर के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फादर के पास जो है वो आपके ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी कलर ऑफ हेयर, अच्छे समझना बेटा, दिस इज फिनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप एंड दिस रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एच, एच स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो है ये क्या हो गया, जीनोटाइप, मैंने आपको बताया है पढ़ाया है, दिस इज जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब इनका जब हम क्रॉसिंग करेंगे, याद है ना, क्रॉसिंग करेंगे तो आपका कैपिटल एच ये डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, डोमिनेंट, और स्मॉल एच जो होगा ये हो जाएगा आपका रेसेसिव, और दोनों को क्रॉस करने के लिए आप स्मॉल कैपिटल एच, स्मॉल एच एलिप्स लेंगे, दोनों को क्रॉस करें कैपिटल एच स्मॉल एच, ये आएगा, और यहाँ पर जो कलर होगा आपका ब्लैक होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लैक जो है वो क्या है बेटा, डोमिनेंट है। तो यहाँ जो F1 प्रोजेनी है, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, सन डॉटर, जो भी डॉटर सन जो भी है, जो भी बेबी है, तो जो प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी आ रहा है उसके हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर जो है ये हेयर का कलर जो है ये आपका कि इसको शो कर रहा है कि ये डोमिनेंट को शो कर रहा है, इसका मतलब कि मदर के जो हेयर का कलर है वो डोमिनेंट है ब्लैक कलर, जबकि ब्लॉन्डी जो कलर है वो रेसेसिव है, इसलिए रेसेसिव शो नहीं हुआ है और आपका कौन शो हुआ, ब्लैक कलर। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रिस्पॉन्सिबल किस पर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन, और वो जीन आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं, दिस जीन, दिस जीन, ये दोनों आपके जीनोटाइप जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीन है, और ये ब्लैक कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा, ब्लॉन्डी कलर के लिए, कंफर्म हो रहा है। अब मैंने बताया भी है इससे प्रीवियस वीडियो में कि जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर, तो ये पेयर में है,
ये पेयर में है ना, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, और देखिए यहाँ पर इनके पेयर से जो क्रॉसिंग हो रहा है तो उससे जो कलर आ रहा है वो डोमिनेंट और रिसेसिव पे डोमिनेंट जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल एस से जो इसका जीनोटाइप जीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपका ब्लैक कलर है और ये आपका कौन सा कलर है, ब्रॉन्डी कलर है, कंफर्म हो रहा है। तो ब्लैक कलर आना ये शो कर रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, ब्लैक कलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं जी, तो कंफर्म हो गया होगा। मतलब यही कह रहा है कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वही कंट्रोल करता है, ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता दूंगा और इसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन है और उसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से जानिए तो आपके टेंथ का एक तरीके से थर्ड लेसन जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।